इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। राजस्थानी एकेडमी द्वारा फैमिली पिकनिक 2022 का आयोजन छतरपुर के एक फार्म हाउस में किया गया, जिसमें राजस्थानी एकेडमी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर फैमिली पिकनिक का आनंद उठाया। सभी सदस्यों के मनोरंजन के लिए कई तरह कार्यक्रम के स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम की थीम राजस्थानी कल्चर पर रखी गई थी, जिसमें सभी आए हुए मेहमानों को राजस्थानी पगड़ी, तिलक, पटका पहनाकर राजस्थानी ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया था। जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, जहां लोगों ने खड़े होकर ढेरों सेल्फियां खिंचवाई। इसके साथ ही बच्चों के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन व झूले लगाए गए थे। वहीं महिलाओं के लिए फ्री में मेहंदी, टैटू के स्टॉल लगाए गए थे। ढोल नगाड़े व डीजो के सुरताल के साथ लोगों ने डांस का भी खूब आनंद उठाया। साथ ही बेहतरीन स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम के दौरान कई देशों के एम्बेसडर व अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता व राजस्थानी एकेडमी के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीवी आवाज का खास कार्यक्रम हमारी बात, और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज मैं खड़ी हूं राजस्थान एकेडमी के फैमिली पिकनिक पर, और हमारे साथ हैं राजस्थान एकेडमी के अध्यक्ष गौरव गुप्ता जी। तो सबसे पहले जानते हैं इस पिकनिक के बारे में। सर, पहले बताओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आज जो ये पिकनिक रखा गया है, कैसा क्या है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैडम, राजस्थानी एकेडमी हमारी 32 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना स्वर्गीय रामनिवास लखोटे जी ने करी थी, और पिछले 8 साल से इसको लीड करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। और ये हम हर साल अपने मेंबर्स फैमिली के लिए कुछ ना कुछ राजस्थानी फूड, राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी एक फैमिली गेट टुगेदर का आयोजन करते हैं। पिछले कोरोना काल में हम नहीं कर पाए, 2 साल कोशिश करी नहीं कर पाए, लेकिन अब थोड़ा माहौल ठीक हुआ है तो हमने कोशिश करी है आज फिर से। लास्ट किट्टी हमने 2019 दिसंबर में ही करी थी फार्म हाउस पर, इसी फार्म हाउस पर। तो इसमें हम फैमिलीज को बुलाते हैं, इसमें म्यूजिक, डांस, कल्चर, इंडियन, आप देखेंगे राजस्थान के हमारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट खड़े करे हुए हैं जिसमें लोग सेल्फी लेते हैं, और स्टेज पर भी हमने हवा महल बनाया है, तो आपको लगेगा आप राजस्थान में खड़े हैं। तो इससे दिल्ली में राजस्थान की झलक यहाँ मिलती है। कह सकते हैं एक थीम आपने राजस्थान का रखा हुआ है। सर, अब मैं बात करूँगी, जैसे जो राजस्थान एकेडमी की जो पिकनिक हो रहा है, इसमें मैं हर जनरेशन के बच्चे हो या कोई भी एज के लोग देख सकते हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या खास इंतजाम किया गया है? मैडम, ये हर एज ग्रुप के लिए हमने ध्यान रखा हुआ है। बच्चों के लिए टैटू वगैरह हैं, गेम्स हैं, बाउंसी वगैरह हैं, और लेडीज़ के लिए मेहंदी, डांस और चाट, मतलब आपके लिए हमारे पास हमने जो सर्दी का मूंगफली, गजक, मतलब छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान रखा गया है। और एक हम जो सेल्फी बूथ है, उसमें राजस्थानी पगड़ी पहन के, राजस्थानी पटा पहन के आप फोटो खिंचवाइए। बच्चों के लिए भी पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी होगा, एक तंबोला भी है, छोटी छोटी एक्टिविटी हमने कोशिश करी है जिससे लोग अपना दिन पास। हाँ, राजस्थान का ढोल, कच्ची घोड़ी, इस तरह से लॉन्ग मैन, काफ़ी चीज़ें झलक दिखाने की कोशिश की है। सर, अब मैं बात करूँगी, जैसे जो हमारी ये राजस्थान एकेडमी है, जो आपने एकेडमी के अध्यक्ष हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगी, कितने साल पुरानी है और कैसे इसका वो। मैडम, इसकी स्थापना 1990 में करी थी, जैसे बताया 32 साल हो गए, और अनवरत हमारे काफ़ी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। एक हमारा सिम्बॉलिक प्रोग्राम होता है हर साल होली की शुभ संध्या पे, कवित्री सम्मेलन। वो 31वां कवित्री सम्मेलन हम 11 मार्च को कॉन्शियन क्लब ऑफ इंडिया में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मेंबर कवित्रियाँ भाग लेती हैं। उसके अलावा हमारे इसके अंदर हम 8वां वुमेन अवार्ड भी करने जा रहे हैं, नारी गौरव सम्मान। तो इस तरह से सब आपस में मिलकर प्रोग्राम करते हैं। एक जो हमारा सिम्बॉलिक प्रोग्राम होता है हर साल, पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा, राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता, जो दिल्ली NCR के कम से कम 10,000 बच्चे भाग ले चुके हैं, और कमानी सभागार में या किसी सिविक सेंटर में या फिक्की में हम प्रोग्राम करते हैं वो हर साल, जिसमें 200-250 बच्चे एक प्रोग्राम में भाग लेते हैं डांस का, राजस्थानी कल्चर को दिल्ली में प्रस्तुत करते हैं। उसके अलावा हमारे उसके अंदर एक राजस्थानी पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, आज भी हम राजस्थानी पेंटिंग का कैलेंडर है जो लॉन्च करने जा रहे हैं 2022 का, वो हमारे मेंबर हैं JK जैन जी, हर साल हमारे को प्रिंट करके देते हैं, और इसमें राजस्थानी कल्चर दिखाई देगा कैलेंडर में भी आपको। अगर
मैं बात करूं राजस्थान एकेडमी की हाइलाइट्स के बारे में, तो आज की क्या हाइलाइट्स? मैडम हमारे मेंबर हैं गौरव गोयल जी, गोपाल छप्पन, जो गोपाल छप्पन की आइसक्रीम शेक्स जो आज के लोग एंजॉय कर रहे थे, गर्मी थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है तो ये सर्दी के अंदर आखिरी संडे है मेरे ख्याल जो हम धूप एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की विशेषता यही है कि राजस्थानी चाट, हमारी दिल्ली की चाट, राजस्थानी फूड, खाना मीठा, मतलब हर चीज़ हमने मेंबर्स को ले रखी है और लोग सब होप सब इंजॉय करेंगे। सर मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, यहाँ पर जो फैमिली आई हुई हैं वो आपके या तो दिल्ली के ही मेहमान हैं या इंडिया के बाहर के? मैडम इसमें ना हमारे सौभाग्य मिलता है हर साल डिप्लोमेट्स का। हमारे साथ आज एम्बेसडर ऑफ उज्बेकिस्तान, एम्बेसडर ऑफ मलावी, डिप्लोमेट फ्रॉम केन्या, अफगानिस्तान और बुर्किना फासो और कई देशों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो हमारे मेंबर हैं खाली दिल्ली में नहीं है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, सब आते हैं और पूरा अपना शाम तक पीने की एंजॉय करेंगे। वही कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मेहमानों से जब इस शानदार व सफल कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बात की तो उन्होंने क्या कहा कार्यक्रम को लेकर? सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। विपुल गोयल। सर जैसे जो आज राजस्थान एकेडमी का फैमिली पिकनिक रखा गया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं गौरव जी से 2013 से मिला हुआ और उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो राजस्थानी एकेडमी से पहले सुभाष लखोटिया जी चलाते थे, अब उनके जाने के बाद गौरव गुप्ता जी पूरा संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। सर अब मैं बात करूँगी, जैसे हमने सुना आपका कार का बिजनेस है उसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, मैंने मेरे बेटों का दिल्ली में सबसे बड़ा कार वर्कशॉप है बॉश का, इससे बड़ा कोई सर्विस सेंटर बॉडी शॉप नहीं है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ मैंने कैटलॉग्स भी रखी है डिस्काउंट के लिए राजस्थानी मेंबर्स के लिए, वो कभी भी आके अपनी गाड़ियों को रिपेयर करा सकते हैं। और सबसे बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, सबसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ। सर अब मैं बात करूँगी, जैसे जो आज पिकनिक रखा गया है राजस्थान एकेडमी का, इसमें क्या खास है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें आप इसका जवाब ही कुछ नहीं है, इसमें आप खुद देख रही हैं हर चीज़ टॉप पर है, सारे गेम्स अच्छे रखे हुए हैं, मेहंदी है, एक पूरा लगता है कि पूरा मिनी राजस्थानिया बस गया है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राजेश शर्मा। अंजना शर्मा। सर मैं जानना चाहूँगी आप राजस्थानी एकेडमी से कितने टाइम से जुड़े हैं? हम राजस्थानी एकेडमी और लॉयंस क्लब से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और गौरव गुप्ता जी, थैंक्स टू मिस्टर गौरव गुप्ता बिकॉज ही इज़ ओनली वन पर्सन जो काफ़ी अच्छी अच्छी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सबको एकजुट होकर चलते हैं। जी तो आज का जो ये प्रोग्राम है सर, इसका आप क्या महत्व समझते हैं? देखिए लास्ट टू ईयर से हम लोगों ने कोरोना में देख ही लिया है सबने कि कितने लोगों को दूरी आ गई है, तो ये जो इनिशिएटिव्स है दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे लोगों को इकट्ठा करने का एक प्लेटफॉर्म है, कल्चरल प्लेटफॉर्म है, सब लोगों ने एक डे इंजॉय कर रहे हैं। बाकी सब लोग मिलते भी हैं, इवनिंग में मिलते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, बट हेयर यू कैन टॉक टू देम, यू कैन शेयर द कल्चर। मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी देश विदेश से भी लोग आए हुए हैं, तो दिस इज आई थिंक वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो एक फैमिली को लेके भी एक पिकनिक होगी, और जो बाहर से लोग आए दूसरी कंट्री से उनके लिए भी एक मैसेज होगा सर इंडिया का, इंडियन कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जैसे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, बच्चों के लिए अलग से आइटम्स हैं, खाने पीने के भी सारे तरीके की चीज़ें हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि एक तरीके से एक फैमिली गेट टुगेदर ये हो जाता है। मैम एज अ एक महिला होने के नाते आपके लिए क्या महत्व है, मतलब आप इतने साल से जुड़े हैं अकेडमी से, प्रोग्राम के महत्व के बारे में कुछ मैम हमें बताइए। कल्चरली यूनाइट हो रहे हैं सब आपस में, अलग अलग कल्चर से आए हैं, एक जगह पर यूनाइट होके मिल रहे हैं। ओके तो मैम और कुछ आप कहना चाहेंगे राजस्थान एकेडमी के बारे में या गुप्ता जी के बारे में? लाइक बेस्ट ऑफ लक फॉर द राजस्थान एकेडमी एंड द लॉयंस क्लब टुगेदर, ऐसे और इवेंट्स होते रहे और सब लोग ऐसे रेगुलर मिलते रहे एंड उसका कोरोना का ध्यान रखें और ऐसे ही सब लोग आगे कल्चर को बढ़ाते रहे। बहुत बहुत मैम सबसे पहले आप अपना नाम हमें बताएं। मेरा नाम रेणुका गौड़ है, संगीताचार्य रेणुका गौड़। मैम आप राजस्थानी एकेडमी से कितने टाइम से जुड़े हैं? मैम मैं राजस्थानी एकेडमी से कोई 3 या 4 साल पहले जुड़ी थी, ये कोविड से पहले। कैसा अनुभव रहा मैम जुड़ने के बाद? अनुभव ये रहा, सबसे बड़ी बात ये जो राजस्थानी एकेडमी है, राजस्थान के साथ साथ हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी इनमें, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थानी लोग हैं, सबको अपने साथ इन्वॉल्व करती है या तो कनेक्ट करती है, उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस चीज़ को ये लेके चलती है और इनका यही लक्ष्य है, सबको एकता में शक्ति है ना, सबको बांध के रखती है। हाँ जी मैम लास्ट क्वेश्चन कि आपका आज का जो प्रोग्राम है उसे लेकर आपका कैसी फीलिंग्स है? ये प्रोग्राम बहुत
ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, फोक गाती हूँ, पैट्रियोटिक गाती हूँ, डिवोशनल म्यूजिक श्री अनूप जलोड़ा जी के साथ गाती हूँ। तो आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि शुरू शुरू में राजस्थान में जितने भी फोक डांसेस थे उनके वो हुए, और अभी भी मैं एक या दो राजस्थानी गीत गाऊंगी क्योंकि मेरे को यहाँ इन्वाइट किया गया। मेरी राजस्थानी टी सीरीज से एल्बम है जवाई जी पावना पल्लो लटके मारी थेतरी, तो 7-8 एल्बम है जो टी सीरीज से है, उनमें से ही कुछ फोक लेके मैं राजस्थानी एकेडमी के लिए आज गाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ कृष्ण गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि राजस्थान एकेडमी के स्पॉन्सर भी हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर राजस्थान एकेडमी से आप कितने सालों से जुड़े हैं? मैं एक्चुअली राजस्थान एकेडमी से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और ख़ास करके गौरव जी के साथ मैं पिछले कुछ वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके के इनिशिएटिव्स गौरव जी लेते हैं, विभिन्न अपने जो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ उनकी हैं वो देश के लिए या फिर संस्थाओं के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी अच्छा उनका प्रोत्साहन रहता है। तो गौरव गुप्ता जी से कैसे मतलब आपका शुरुआत कैसे हुई, उनके साथ जुड़े आप कैसे जुड़े? ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मेरे ख्याल से लॉयंस क्लब के प्लेटफॉर्म पे उनके साथ जुड़े थे। उसके बाद जो हम कार्य कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेलनेस जैसे कंपनी में, उनको वो अच्छा लगा और उसी से ही बस हमारा नाता, हमारा रिश्ता बढ़ता गया। सर जो ये आपकी कंपनी है ऑर्गेनिक वेलनेस प्रोडक्ट जो कंपनी आपकी, इसमें क्या है सर, आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं सर। देखिए मैम, ऑर्गेनिक वेलनेस जो कंपनी है एक ये मुहिम है, एक पर्पस के साथ ही एक प्लांट हमने रिमोट विलेज के अंदर बुंदेलखंड के बाबई गाँव में बहुत ही भव्य प्लांट लगा हुआ है, जो इंडिया की 5000 साल पुरानी लेगेसी है, जिसके तहत हम खाने को ही अपने लिए हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ मांगते हैं। तो उसके तहत हम वहाँ पर करीब ओवर 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम वहाँ पर बनाते हैं। लोकल विलेजर्स, लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ विलेज का वही प्लांट चलाता है, और आज देश भर में और करीब 28 देशों में इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पर भी आज आप देख सकते हैं सामने भव्य एग्जीबिशन में लगा हुआ है, लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट कराया जा रहा है, और बहुत अच्छा लगता है। देश का इतिहास देश विदेशों में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जिसके कारण केवल हेल्थ बेनिफिट्स ही कंज्यूमर को नहीं मिल रहे, बल्कि जो एक एग्जॉटस होता था, छोटे गांवों से लोग बड़े शहरों की तरफ नौकरी के लिए ढूंढते थे, काफ़ी हद तक उस गांव से हम उसको रोक पाए हैं जी। सर आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहोगे, एक तो आप मुझे बताइए कि आज का प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा लग रहा है आपको सर आज का प्रोग्राम? एक तो ऊपर वाले का इतना बड़ा आशीर्वाद है, शानदार मौसम, शानदार धूप, इससे बढ़िया आशीर्वाद क्या चाहिए। उसके ऊपर से नाच गाना और जो एनर्जी पूरी सिस्टम में है, इंक्लूडिंग आप लोगों के अंदर, वो देखते ही बनती है। भगवान करे इस तरीके से ही खूब इवेंट्स आगे आने वाले दिनों में होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम उमा शंकर गर्ग है जी। सर राजस्थानी एकेडमी से कितने सालों से जुड़े? मुझे 15 साल हो गए हैं जी राजस्थान एकेडमी से जुड़े हुए जी, और मैं इन्वेस्टर क्लब का बहुत एक्टिव मेंबर भी रहा हूँ, पास प्रेसिडेंट भी रहा हूँ जी, और साथ मिलके ही हम सुमन महेश्वरी जी से और गौरव गुप्ता जी से मिलके हम लोग इसकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहे हैं जी। I've been active in the executive committee also. और इनके मेन जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, और अभी कोरोना के वजह से 2 साल में वो फिजिकल मीटिंग तो नहीं हुई है, फिर भी हम उसी सर्किट में और मिलजुल के काम करते हैं जी। सर आज की प्रोग्राम के बारे में आप कुछ, आपका कैसा अनुभव चल रहा है? ये प्रोग्राम तो एक तरह से लगता है कि आज़ादी का प्रोग्राम है कि हम लोग सब लोग खुल के आ रहे हैं, और खुले मन से आप दूसरे एक दूसरे से आराम से मिलते हैं जी। और यहाँ पर एक प्रोग्राम 3-4 साल पहले भी हुआ था, बहुत ही आनंद वाला है, मिलनसार है। गौरव जी की जो हम खासियत देखते हैं कि वो हर तरह के इंटरनेशनल गेस्ट को भी बुलाते हैं, और यहाँ भी SH अकेडमी वैसे ही बहुत ओपन सोसाइटी है, जहाँ हम सब मिलजुल के एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं और समाज के लिए। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैम बलविंदर सिंह बिंद्रा फ्रॉम SMT शाहजनंद ग्रुप। ओके सर, राजस्थान एकेडमी से कितने सालों से जुड़े हैं? दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट कमिंग ओवर हियर, बट मैं जुड़ा पिछले 2 साल से हुआ हूँ।
बिकॉज तभी मेरे लॉयन क्लब के साथ ही उन्होंने मेरे को जोड़ा था, बट लास्ट टाइम मैं आ नहीं पाया था, बट दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन आई एम अटेंडिंग ओवर देयर बिकॉज आई एम बिजी, आई एम लुकिंग आफ्टर, आई एम एज अ डिप्टी हेड फॉर द गवर्नमेंट अफेयर, सो मैक्सिमम मैं टूर पर ही रहता हूँ, तो इसलिए, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू द पिकनिक, बट इट इज रियली एडवेंचरस एंड मेन इज दैट आफ्टर द पेंडेमिक फ्रॉम ए लॉकडाउन और छुटकारा मिला हमें मास्क और उससे, तो आज पहला एक खुला खुला एटमोसफियर मिल रहा है और वो भी खुली जगह पे, एंड इट इज अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइज्ड अवर थिंग्स ओवर देयर। आज के प्रोग्राम में आपके कैसा अनुभव रहा है सर, आज का जो प्रोग्राम चल रहा है? इट्स रियली नाइस बिकॉज वी आर सीइंग दैट द किड्स आर एंजॉइंग ओवर देयर ऑन द कॉर्नर, दे आर जस्ट हैविंग अ ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, दे आर हैविंग मेहंदी, दे आर हैविंग टैटूज, देन वी आर हैविंग चाट पकौड़ीज एंड ऑल लंच ओवर हियर, एवरीथिंग इज गुड, देन वी आर हैविंग सो मच ऑफ ग्रेट डांस performances, then we are having so much of intellectuals which are speaking over there, there are so many ambassadors are here, they are just also sharing about their countries, so overall it's a 10 out of 10. Okay, thank you sir, humse baat chit karne ke liye. Thank you. Sabse pehle mam aapka naam janna chahenge aur aapka parichay aap kya karte hain? मैं प्रियंका सचदेवा हूँ एंड मैं एसेंशियल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स कंपनी है मेरी बाय द नेम कोर एंड प्योर, सो वी आर इनटू हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। राजस्थान एकेडमी से मैम कब से जुड़े हैं आप? राजस्थान एकेडमी आई हैव कम हियर ऑन इनवाइट एंड गौरव जी कॉल्ड मी हियर एज अ गेस्ट एंड ट्रस्ट यू मी इट वाज वंडरफुल बीइंग हियर। ओके, तो मैम आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कैसा मतलब किस तरह की फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहिए? इट्स टू गुड, लाइक फैमिली मीट है एंड एवरीबडी इज एंजॉइंग, यू कैन सी द काइंड ऑफ डांस, द काइंड ऑफ सॉन्ग परफॉर्मेंस, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, सो बड़े अपने आप में मिल रहे हैं, सो इट्स लाइक वंडरफुल बीइंग हियर। मैम एक आखिरी क्वेश्चन, एज अ महिला है तो आप महिलाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं कि वो उनका वर्क बाहर करते हो तो उनको करना चाहिए, उनको पूरी आज़ादी के साथ वर्क करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि आप महिला, इसलिए मैं आपसे आउट ऑफ प्रोग्राम ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। डेफिनेटली देखिए, आप महिला हैं या आप पुरुष हैं वो मैटर नहीं करता है, आप क्या करना चाहते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू मस्ट पुट योर 100% इन डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू।